दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और होटल देख रहे कि होटल है कहाँ पे। सो यहाँ पे ही मेरे को फ़ोटो लेना था, यही मार्केट आ गए, बट ये मार्केट का नाम क्या है मुझे पता नहीं। पहले रूम देख लेते उसके बाद। कल से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखा था, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड लोग बनाया वीडियो, बहुत ज़्यादा मेरे को कोल्ड लग चुका था तो 2 इंजेक्शन लगा, अभी ठीक है। अभी गैंगटॉक से निकल रहे हम लोग दार्जिलिंग के लिए, और दार्जिलिंग में 3 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। A few moments later. गैंगटॉक होटल से हम लोग निकल चुके हैं और दार्जिलिंग जा रहे हैं। दार्जिलिंग जाने में यहाँ से 3 घंटा लगेगा और हम लोग का होटल सब कुछ बुक हो चुका है। जाम लगा हुआ और बंदर खाने में लगा हुआ है, बंदर आ रहा खाने के लिए। ओह माय गॉड, आजा आजा दे, पहले एक ऐसी फेंक दे। ओह माय गॉड यार, तेरा अरे तुम्हारा आदि नहीं क्या खाएगा। अरे आजा डा भाई ले लिया, फोन मत ले लेगा। हटा के रख, हटा के रख। टाटा, अब और आएगा वो। Take it, take it. Much later. लग रहा है अभी चाय नाश्ता के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिए। गाड़ी यहाँ पे रुका है, गाड़ी है टोयोटा का इनोवा है शायद। और ये रहा पूरा टी ट्री। बाहर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा कान गला सब दर्द दे रहा है, इसलिए मैं गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ। ठंडा नहीं, एकदम हड्डी को छू लेने वाला ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ। चेहरे की रंगत रही है तेरी सोहबत में, खाली सलाम दुआ मुलाकात में। 1000 years later. ये दार्जिलिंग पहुँच चुके हैं और होटल देख रहे कि होटल है कहाँ पे। यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 2 मिनट बाद होटल मिलेगा, तो आगे देखते हैं होटल कहाँ पे। जहाँ पे हम लोग होटल बुक करके थे वो बहुत ही डेंजर प्लेस में था, एकदम माउंटेन के ऊपर में था, और वहाँ से उतरने में जाने में बहुत ही प्रॉब्लम था मार्केट से। तो अभी हम लोग दूसरा होटल देखने जा रहे हैं, अगर वो पसंद आएगा तो वहाँ लेंगे, नहीं तो दूसरी जगह लेंगे। हाँ, होटल देखते आए, बस यहाँ देखते हैं रूम का व्यू अच्छा हो और चार्जेस कम हो तो लिया जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ एक होटल देखे बट इसका प्राइस सो हाई था, डेट्स वाई दूसरा होटल अभी देखना पड़ेगा। थोड़ा घूमना पड़ेगा, कोई ना कोई होटल मिल ही जाएगा, सो देखते हैं। यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है, ये कौन सा मार्केट है पता नहीं है। हम लोग होटल ढूंढ रहे, बस होटल मिल जाए। ये पूरा मार्केट है, ये पूरा लाइन से कपड़ा, मेडिकल शॉप, कॉफ़ी शॉप सब कुछ है यहाँ पे। बट हम लोग यहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा है, गैंगटॉक से ज़्यादा ये मार्केट में क्राउड है। देख रहे दूर दूर तक कितना भीड़ है। सो यहाँ पे ही मेरे को फ़ोटो लेना था, यही मार्केट आ गए, बट ये मार्केट का नाम क्या है मुझे पता नहीं। पहले रूम देख लेते, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट भी करेंगे और रील्स भी बनाएंगे और आगे देखते हैं बस कोई रूम मिल जाए इंशाल्लाह। सो फाइनली हम लोग को रूम मिल चुका है और एक रूम में 2 गेट है और 7 आदमी उसमें हो जाएगा ईज़िली। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं तो अभी रूम में हम जा रहे हैं हम लोग, और आपको रूम भी दिखा देते हैं। अगर आप लोग गैंगटॉक का रूम देखना चाहते हो कितना प्राइस है तो वो मैं थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लेना। सो अभी चलते हैं। सो ये रहा हम लोग का रूम। यहाँ बॉनफायर भी कर सकते हैं जैसे पहले ज़माने में होया करता था। और पूरा विंटेज टाइप का रूम बना हुआ है। ये बेडरूम है, डबल बेड है और ये वार्डरोब है। ये एक रूम है और दूसरा रूम दिखा देता हूँ। गेट एक ही है, यहाँ पे एक वॉशरूम है और ये दूसरा रूम है। यहाँ पे भी बॉनफायर करने का है, वेंटेज टाइप का एक। यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठने का टीवी है, ये रूम में टीवी है। और इसका भी बेडरूम का बेड बहुत ही अच्छा है, ऊपर में पूरा वाइट है। इतना ठंड है, यहाँ पे हीटर लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाओगे? तो वहाँ से गर्म होगा रूम। ऑन कर दिया है, ठीक है। रूम बंद कर दीजिए, गर्म हो जाएगा। हीटर का एक्स्ट्रा चार्जेस है 700 करके पर नाइट। यहाँ पे बहुत ठंड है, हीटर लेना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह का 1:10 हो रहा है। हम लोग उठ चुके थे बहुत पहले ही, 12 बजे, और फ्रेश होने में टाइम लगा हम लोग को। फ्रेश होकर अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले। और यहाँ पे बहुत कनकनी है, और यहाँ पे बहुत कनकनी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आप लोग आना तो अपना जैकेट सब कुछ लेके आना, नहीं तो कनकनी से हाथ में ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते है क्या खाने का, और कुछ अच्छा लगता है तो वो खाते। और आज मेरा तबीयत भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और मैं मेरा होटल पीछे में ही है, मॉल रोड के एकदम सामने में ही होटल है, तो यहाँ पे शॉपिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाय शॉप है यहाँ पे, और दूध ढूंढने के बाद चेरी वुड फ्रूट एंड एक्सपा दार्जिलिंग, यहाँ पे चाय पीते और इन्जॉय करते। ये रहा चाय शॉप। ये एक छोटा सा कैफे टाइप का टी शॉप है, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए और चाय वाय पीने के लिए। चाय यहाँ एक चाय 55 रुपीज़ है और आलू पराठा 60 रुपीज़ है। ये है चाय, और चाय का टेस्ट इतना कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल पानी जैसा चाय है, बस बिस्किट के साथ खाने के लिए ठीक है, कुछ खास नहीं है इसका टेस्ट। ये गोल्डन टिप्स का रेस्टोरेंट है, मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, टी शॉप है, और यहाँ से पूरा व्यू देख रहे हो। इट्स ऑसम व्यू, पूरा वो साइड यहाँ सिटिंग एरिया है, वहाँ जाने का कौन साइड से वहाँ जाने का लॉक किया हुआ है ये साइड से। यहाँ का टी का बहुत सारा प्राइस पता नहीं है कितना है। दार्जिलिंग टी 130 में है ये वाला पैकेट। गोल्डन टिप्स समर मेल्टी सेकंड प्लस 800 का ये है, बहुत सारा। और यहाँ पे लो प्राइस हाई प्राइस सब। ये पूरा मॉल रोड है, और ये मॉल रोड का मॉर्निंग का व्यू है, और रात में भी अलग व्यू रहता है, और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है रात में। कहाँ मॉल मार्केट? वो मॉल मार्केट है, उधर पूरा मार्केट है क्या? अंदर उसके अंदर भी जाके देखेंगे है क्या।